राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नेशनल हाईवे अमरूद मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र जोगेंद्र प्रसाद निवासी अमरूद मंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 5 किलोग्राम अवैध गांजा एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, कांस्टेबल मंगलदीप कुंदन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, तीन 2022 को सुबह 6:15 बजे के आसपास ये अमरूद मंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट के पास है, हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र जोगेंद्र प्रसाद है, और इसके संबंध में जो है इसके पास से हमने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा और एक अदद मोटरसाइकिल UP 52AH 5318 ये बरामद की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसमें 228/20 है धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना गीड़ा और अभी 96/22 धारा 8/20 और NDPS एक्ट के अंदर इसको भेजा जा रहा है और न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है इसको।